बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना, बदमाशों ने घर में घुसकर डाली डकैती, विरोध करने पर मार दी आमिर के गोली, जिसे देख पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के सिहारा क्षेत्र के गांव राम सिपाही वाला में उस समय हड़कंप मच गया जब रात 2 बजे फुरकान अहमद के घर 2 बदमाश घर में घुस गए और 10 लाख का सोना नकदी सामान लूटकर ले गए। बता दें कि जब ये बदमाश घर में डकैती डाल रहे थे तो इन्हें फुरकान के बड़े बेटे ने रोकने का प्रयास किया तो इन बदमाशों ने फुरकान के बड़े बेटे आमिर को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आमिर को कराया इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती और बदमाशों की तलाश में जुटी। सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये डकैत जल्द से जल्द पकड़े जाएं। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर, अवगत कराना है कि आज दिनांक 13/6/2024 की रात्रि करीब 2 बजे ग्राम सिपाही वाला थाना शिवारा में फुरकान अहमद के घर में 2 व्यक्ति खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर से सामान चोरी कर जाने लगे। घर में सो रहे फुरकान का पुत्र आमिर आवाज़ सुनकर जग गया और दोनों व्यक्तियों का पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान बदमाशों ने आमिर को घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आमिर को CHC शिवारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घायल आमिर की स्थिति सामान्य है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी धामपुर के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।